ਦਰਮਿਆਨ ਮੇ ਇਹ ਵਹੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਿਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਤੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਭਾਈ ਆ ਯਾ ਬਨਾ ਇਹ ਸੋਈ ਗਾ ਸੋੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਨੇ ਇਨਕਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਇਆ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਯਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਦੂਧ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ शॉप ओपन करते करते जो है ना तकरीबन मैक्सिमम मतलब हम कहें इजीली के असर के बाद आप यहाँ पे शॉप पे आ जाते हैं जी जी बिल्कुल ठीक है जी असर के बाद आ जाते हैं यहाँ पे और गर्मा गर्म दूध जलेबियाँ ये कढ़ाई में कड़ा दूध और साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जनाब ये हलवा चाट देखने के लिए मिल जाते हैं जब खोया है जी जी खोया अच्छा खोए समोसे और ये शक्कर पारे वगैरह और ये कौन कौन सा बाउल है और किस साइज में और क्या क्या प्राइस है ये मेरे पास एक छोटा बाउल है एक बड़ा बाउल अच्छा छोटा बाउल कितने का वो 100 रुपए का है अच्छा और जो बड़ा बाउल है वो 150 रुपए का है 200 रुपए का भी लगा के देते हैं मतलब वो उसमें उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ती जाती है एक बाउल लगा के दें यार मैं जरा चेक करें आपकी जलेबियाँ कैसी हैं तो ये देसी घी में बनाते हैं जलेबियाँ कि डालडे वाली है ये डालडे वाली अच्छा ये डालडे वाली है जी कोई वो नहीं है लुक शुभ के देसी घी डाल डाल ये आ गई थी सबसे पहले इस बाउल में जलेबियाँ इसको अब करेंगे भाई थोड़ा सा क्रश के ऊपर जनाब अब आ जाएगा ये कितना दूध डालते हैं मतलब ये एक प्याले में पाव दूध डालते हैं पाव दूध एक पाव दूध डालता है और जलेबियां डालती हैं ठीक हो गया और ये 100 रुपए का प्याला है और ये इसके ऊपर आ गई जी मलाई देखो तो सुभान अल्लाह ऐ चेक करो जी ऐ भी नहीं सियाने कहंदे चंगीयां होंदियां ने तो यार अगर आपको क्या कहना था फिर क्या कहना फिर हां तो यार अगर मैं आपको इनकी लोकेशन बताऊं तो ये आपको मिलेगा सुई का सोड आपने एंटर होते सारी आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये मिलेगी शेर पंजाब बेकर स्वीट्स इनका शवारमा ग्रिल बड़ा फेमस है और साथ ही साथ इनकी जो दूध जलेबी है आज हम ये खाने आए थे तो यदि आज की वीडियो आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़।